नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पर स्वागत है। हम लोग NCERT समरी के सीरीज में पॉलिटी क्लास 6 को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 5 को डिस्कस किया, जिसमें पंचायती राज को हम लोगों ने समझा। पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर एक कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है। इस अध्याय में, यानी कि छठे अध्याय में, हम लोग गांव के प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में पढ़ेंगे कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं या बॉडी काम करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, आपसे कोई बहुत ही आसान सवाल पूछ देता है और आप बताने के स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि आपने कभी वैसा सोचा ही नहीं, अनुमान ही नहीं लगाया। ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात रह जाएगी। ठीक है, कोई आपसे अचानक पूछते भारत में कितने गांव हैं, आप आइडिया ही नहीं लगा पाते हैं कि लाख में है, हज़ार में है, कि क्या है। जैसे ही आप एक बार पढ़ लिए 6 लाख, अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि उन सभी गाँव में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो गाँव को व्यवस्थित रखती है। ठीक है, चलिए, तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती है, उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि ये 6th क्लास की पॉलिटी है, बहुत सारी बातें नहीं दी गई होंगी, कुछ जो है संस्थाओं के विषय में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले यहाँ चर्चा आता है पुलिस स्टेशन के विषय में, पुलिस थाना के विषय में। देखिए, पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन का एक जो है कार्य क्षेत्र बना होता है। जैसे मान लीजिए बना दिया गया होगा कि 5 से 7 जो है गांव को मिला के एक पुलिस स्टेशन होगा, मतलब एक पुलिस थाना का एक क्षेत्र फिक्स होता है, 5 गांव, 7 गांव, 10 गांव ऐसे हो सकता है। और फिर उस क्षेत्र में जो भी घटना होगा, चाहे चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े, कुछ भी हो, तो उस क्षेत्र के लोग अपने उस निर्धारित पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। और फिर इसके बाद उस पुलिस थाना के थानेदार की यह जिम्मेवारी होती है कि उस रिपोर्ट पर आगे काम करे, लोगों से पूछताछ करे घटना के बारे में, जांच पड़ताल करे, और फिर मामलों पे आगे कार्रवाई करके कोर्ट तक उस मामले को पहुंचाए। ठीक है, तो ये पहली बॉडी थी पुलिस स्टेशन। दूसरे बॉडी में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्व विभाग के काम के विषय में। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, रेवेन्यू सेक्टर है। तो रेवेन्यू सेक्टर में ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, पटवारी नाम का एक जो है आप कह सकते हैं कर्मचारी कार्य करता है। उसका मुख्य काम होता है अपने क्षेत्र के जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, पटवारी को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ दिया जा रहा है पटवारी, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, तो कहीं कानूनगो कहा जाता है। इसको जो है आप 4-5 नेम है, एक दो बार देख लीजिएगा, सही रहेगा। अब बताया जा रहा है कि पटवारी जो है, वैसे ही जैसे पुलिस स्टेशन का जो है कार्य क्षेत्र होता है कुछ गांव तक, एक पटवारी का भी कार्य क्षेत्र कुछ गांव तक होता है। नॉर्मली क्या होता है, प्रखंड स्तर पर पटवारी होते हैं, एक प्रखंड में जितने गांव आते हैं उतने गांव को ये पटवारी या लेखपाल जो होते हैं देखते हैं। ठीक है, इनके पास जो है खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, चूँकि ये खेत नाप कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इनके पास खाका होता है अपने क्षेत्र का, कि उस क्षेत्र में कौन सा जमीन किसका है, कितने मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सारा जो है डेटा रखते हैं ये। तो बताया जा रहा है उस खेत को नापने के लिए इनके पास अलग अलग तरीका होता है। कभी कभी ये लोहे के लंबी जंजीर से खेत को जो है मापते हैं, जिसे जरीब कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ड है जरीब, याद रखिए। जरीब क्या होता है, लोहे की लंबी जंजीर जिससे खेत को मापा जाता है। ओके, अब पटवारी के और कामों के विषय में बताया जा रहा है। जमीन नापने और उसके रिकॉर्ड रखने के साथ साथ पटवारी का काम होता है कि वह अपने क्षेत्र से किसानों से वह भूमि कर इकट्ठा करे, यानी जमीन पे जो टैक्स लगता है उसे भी वह इकट्ठा करता है। साथ ही अपने क्षेत्र में उगाए जाने वाले फसलों के बारे में भी वह सरकार को जानकारी देता है, और यह जानकारी वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर देता है। कहने का मतलब, एक फाइल बना हुआ है हर क्षेत्र में, जो पटवारी का ऑफिस है उस फाइल में लिखा गया है कि इस क्षेत्र के किस गांव के किस हिस्से में कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे धान है, गेहूं है, इन सब फसलों के बारे में जानकारी होता है।
और समय समय पर उस रिकॉर्ड को अद्यतन अप टू डेट भी किया जाता है। पटवारी जब क्षेत्र में घूमने जाते हैं या पता करने जाते हैं तो वो इस बात का जानकारी लेते हैं कि पहले इस जगह पे धान उगाई जाती थी तो क्या अभी धान ही उगाई जाती है। अब किसान लोग क्या है, मौसम के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार बदलाव करते रहते हैं, तो उस बदलाव को इस जो है डायरी में लिखा जाता है, फिर सरकार को इसकी सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार सरकार भी जानकारी रखता है कि हमारे देश के कितने हिस्से में कौन सी चीज़ें उगाई जा रही हैं। ठीक है, जब बड़े स्तर पे सरकार का आप इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि 27% जो है क्षेत्रों में इस चीज़ की खेती, ये कैसे पता चलता है, ये इसी नीचे से उठते उठते ऊपर तक बातें जाती हैं, फिर अंत में इंक्लूड करके कंक्लूड करके फिर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, चलिए, बताया जा रहा है कि ये सारे जो काम है, ज़मीन को मापना, इसका रिकॉर्ड रखना, फसल के बारे में जानकारी रखना, भूमि कर इकट्ठा करना, ये सभी सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, रेवेन्यू सेक्टर का काम होता है। और फिर रेवेन्यू सेक्टर के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो इस काम का निरीक्षण करते हैं। आप कह सकते हैं कि पटवारी या लेखपाल जो है रेवेन्यू सेक्टर का सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, जो बिल्कुल बेसिक काम करता है, और ऊपर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं। चलिए, आगे दिया जा रहा है कि जमीन से जुड़े हुए मामलों के लिए क्या किया गया है, जिलों को, अपना राज्य क्या है, सभी जो है राज्य को जिलों में बांटा गया है। और फिर जिलों को जमीन से जुड़ी मामलों की व्यवस्था के लिए उपखंडों में बांटा गया है, जिसे तहसील या तालुका कहते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। देखिए, राज्य क्या है, जिलों में बंटा हुआ है, अलग अलग जिलों में। इन जिलों को जमीन से जुड़ी मामलों की व्यवस्था के लिए तहसील या तालुकों में बांट दिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था जिलों को प्रखंड में बांटा गया है प्रशासनिक इकाई के रूप में, लेकिन यहाँ जमीन से जुड़े हुए मामलों के लिए तहसील या तालुकों में बांट दिया गया है। कहा जा रहा है, हायरार्की बताया जा रहा है, जमीन के मामले में सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे होता है तहसीलदार, और उसके नीचे काम करता है पटवारी। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, जैसे तहसीलदार होंगे वो पटवारी के काम का निरीक्षण करेंगे, कभी कभी जिलाधिकारी जो होंगे DM वो भी आ सकते हैं इस काम का निरीक्षण करने। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सुपरविजन करते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, तो रेवेन्यू जो है सेक्टर के सीनियर ऑफिसर्स कौन होंगे, पटवारी के बाद तहसीलदार, और DM तो होता है, यह सारे विभाग का इंचार्ज होता है, तो वो भी आ सकते हैं। बताया जा रहा है वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। कहने का मतलब जो पटवारी जमीन का नकल रखा हुआ है कि अपने इस क्षेत्र में कौन सी जमीन कितने लंबाई चौड़ाई की है, मतलब कि उसका माप रखा है, किसान को जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो पटवारी के पास जाएंगे और आसानी से उसका नकल निकलवा लेंगे। कभी कभी पटवारी जो है मान लीजिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर वो घूस लेने के चक्कर में है, करप्शन करने के चक्कर में है, तो फिर आगे के जो अधिकारी हैं इस चीज़ का को भी देखते हैं कि ऐसा ना हो, किसान को परेशानी ना उठानी पड़े। एक बात और बताई जा रही है कि समय पड़ने पर तहसीलदार जो होते हैं, जो ये ऑफिसर होते हैं, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। ठीक है, और फिर जमीन से जुड़े हुए विवाद के मामले भी तहसीलदार के दफ्तर में सुने जाते हैं, ऑफिस में सुने जाते हैं। अब तो हालांकि जो ये जाति प्रमाण पत्र है ये सारे ऑनलाइन हो गए हैं, और फिर प्रखंड से ही सब मिल जाते हैं, ऑनलाइन कर दीजिए और अपने प्रखंड में जाइए, वहां से निकाल लीजिए। चलिए, अब आगे जो है रेगुलेशन में बात आती है, एक नया कानून के विषय में बताया जा रहा है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये भी बहुत ही अच्छा है, अच्छा कानून है। पहले क्या था कि जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो जितने भी जमीन या संसाधन होते थे उनको सिर्फ बेटों में बांट दिया जाता था। अब जब से ये कानून बना, हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसमें कहा गया कि अब ऐसा नहीं है, सिर्फ बेटों को जमीन नहीं बांटी जाएगी, जमीन या कोई भी संसाधन जो भी चीज़ होगा पिता के मृत्यु के पश्चात बेटों, बेटियों और उनकी माँ, तीनों आदमी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं, चलिए, तो यही बात है। और यह जो कानून है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ यह कानून ना लागू हो। और इस कानून से क्या हुआ है, औरतों को लाभ मिला है, सिंपल सी बात है, जब बेटियों को जो है इसमें मिल रहा है, माँ को जो है मिल रहा है, तो औरतों को बड़े स्तर पे इस कानून से लाभ हुआ है। पहले क्या होता था, बेटे ही सब कुछ रख लेते थे, अब ऐसा नहीं है,
तो इस कानून को बहुत ही अच्छा कानून हम कह सकते हैं। तो फिलहाल अपना ये अध्याय समाप्त हुआ, अगले वीडियो में हम लोग सातवें अध्याय को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करके जाइएगा, एक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो।